आज हम लोग एसएससीजीडी वैकेंसी के लिए प्रीवियस ईयर का 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो अति महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है, ठीक है, मतलब कौन से जो है इसमें नीति है, चार नीति दिया गया है या योजना जो काम करने से संबंधित है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत। देखो बाबू, आयुष्मान भारत का जो संबंध है, इसका संबंध है स्वास्थ्य से। किससे संबंध है? स्वास्थ्य से। और यह योजना लाया गया था 25 सितंबर कितना में, 2018 में लाया गया था, ठीक है। आप देखते हैं दूसरा ऑप्शन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देखो यहां पर रोजगार से जुड़ा हुआ मतलब काम हो गया, तब इसका संबंध बोलेंगे, इसका संबंध किससे है, काम से है या कह सकते हैं कि रोजगार से है। तो आपको तो यही ना पूछना था काम से जुड़ा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अब इसके बारे में जो जान जाए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, योजना जो है, यह लाया गया था गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 में लाया गया था, और उसी समय से इसका नाम दिया गया मनरेगा। मनरेगा, MNAREGA, और इसके पहले इसका नाम था नरेगा, जो 2006 से ही चलता आ रहा है। तीसरा ऑप्शन सी देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका संबंध है गैस के लिए, रसोई घर में गैस के लिए महिलाओं के नाम पर दिया जाता था फ्री में, लेकिन याद रखिए फ्री में नहीं मिला, बाद में पैसा वसूल लिया गया। ऑप्शन नंबर डी, सौभाग्य योजना। इसका संबंध है किससे, बिजली से, है बाबू। और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है, यह लाया गया कब, 1 मई 2016 में लाया गया था, और यह लाया गया आपको 29 सितंबर 2017 में लाया गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर एक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दो, सूरज नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा हुआ त्योहार। देखो बाबू, तीज घर में होता है, आंसर ये नहीं होगा। कर्मा भी घर में होता है, छत पर बैठकर आराम से, ये भी नहीं होगा। छठ, छठ जो है नदी में, तालाबों में, जहां पर पानी का स्रोत होता है वहीं पर होता है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। और होली तो मत कहो, होली में खाली पानी यूज करते हैं, लेकिन नदी की जरूरत नहीं है, तालाब की जरूरत नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन देखेंगे, सितारों की जगमगाहट। सितारों की मतलब स्टार की जगमगाहट, स्टार का चमकना, या उसको क्या जगमगाना कहेंगे, तरह से टिमटिमाना, कौन सा कारण होगा इसमें? वायुमंडल, ऑप्शन ए है वायुमंडलीय परिवर्तन, वायुमंडलीय प्रतिबिंब, प्रकाश का बिखराव, आंतरिक प्रतिबिंब। बाबू, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज पर है, सतलज पंजाब हरियाणा, सतलज नदी पर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिन पर मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं हम लोग, याद रखिएगा, और यह प्रत्येक साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को होती है, तो 12 जनवरी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से किस उच्च न्यायालय
में सबसे अधिक बैठकें हैं, मतलब बेंच की संख्या? बाबू, पूरे भारत में सबसे अधिक जो बेंचों की संख्या है वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है, इसलिए कि वहां लगभग 7 राज्यों का बेंच चलता था, लेकिन अब तो डिवाइडेशन हो गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? देखिए, साइकिल के माध्यम से और सबसे फास्ट में दुनिया का चक्कर लगाने वाला वो है वेदांगी कुलकर्णी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भूमि चर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? बाबू देखो, भूमि चर उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र में, जहां पर जनसंख्या उच्च हो और प्लेन क्षेत्र हो, तो वहां सघन निर्वाह निर्वाह खेती होती है। सघन निर्वाह खेती का मतलब हुआ एक ही खेत में कई फसलों का उपयोग करना, एक तरह का मिश्रित हो गया, समझ गए? तो आंसर क्या मारेंगे हम लोग? आंसर ए देंगे। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लांड द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? यहाँ पर कुछ बात याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लांड्स, और इसे हम लोग मास्टर ग्लांड्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग मास्टर ग्लांड्स के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलती है, तो हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोनल ग्लांड्स हैं, जितने भी हार्मोन बहाने वाली ग्रंथि है, सबको ही कंट्रोल करता है, सब पर ही कमांड करता है, सब पर ही कमांड रखता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लांड्स के नाम से जाना जाता है। और दूसरा बात याद रखिएगा कि यह हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्लांड्स है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लांड्स है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसको कहेंगे, पीयूष ग्रंथि को, स्मॉलेस्ट ग्लांड्स किसको कहेंगे, यानी हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि कौन होता है, पीयूष ग्रंथि, या मुंह के ऊपर तलवा में ब्रेन के साइड में होता है। चलिए तो अब देखते हैं आंसर इसका। पीयूष ग्रंथि मुख्य रूप से ग्रोथ को, यानी बॉडी विकास को कंट्रोल करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर इंसुलिन है जो अग्न्याशय से चलने वाला हो गया, थायरैक्सिन थायराइड से चलने वाला हो गया, डी ऑप्शन है एड्रिनलिना, मतलब एड्रिनल हार्मोन जो आपको किडनी के पास ग्लैंड से चलता है, तो देखिए ये हो गया एड्रिनल जो किडनी वाला ग्लैंड से चलता है। तो इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि किसको चलेगा, स्रवित होगा किसका, ग्रोथ हार्मोन को, इंसुलिन किसे चलेगा आपका, अग्न्याशय से, थायरैक्सिन थायराइड से, और यह चलेगा आपको ब्रिक ग्रंथि से, यानी किडनी से होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के उत्कों पर फीड करते हैं, मतलब फीड मीन्स भोजन के लिए डिपेंड करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उनसे धारण कहते हैं, क्या कहते हैं, धारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड, मतलब चिप्स पर, चिप्स को ऑक्सीजन से अभिक्रिया न हो इससे बचाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, देखिए ऐसे जनरली हम लोग ऑक्सीजन से बचाने के लिए आप हीलियम भी प्रयोग कर सकते हो, नाइट्रोजन भी प्रयोग कर सकते हो, कई ऐसे गैसें जहां प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है आपको नुकसान नहीं करता है। अब हम लोग क्वेश्चन 12 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद, आविर्भाव मतलब होता है जन्म लेना, मतलब भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई लगभग 1600 ईस्वी में, तो उस समय के बाद कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसका पतन हुआ, समाप्त कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, तो है सूरत का बंदरगाह। सूरत का बंदरगाह जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, तो
तो एलिजाबेथ के प्रथम राज्य पत्र जो दिया गया है ना, उसमें यह वर्णित किया गया सूरत बंदरगाह का पतन का। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत के सूची में शामिल नहीं है? देखिए, भारत में जो विश्व विरासत की सूचियां है, तो उसमें ये चार में से कौन ऐसा है जो शामिल उसमें नहीं है? तो याद रखिए, कुतुब मीनार भी शामिल है। कुतुब मीनार को शामिल किया गया था कब? 1993 में शामिल किया गया था। और जमा मस्जिद अभी शामिल नहीं है। सी, लाल किला परिसर। लाल किला परिसर को 2007 में शामिल किया गया था। और हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कौन सा शामिल कब किया गया? 1993 में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? तो नहीं है कौन? जमा मस्जिद। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? झारखंड का लोकप्रिय संगीत शैली, तो झारखंड में सबसे जो प्रचलित संगीत शैली है वह है आपका झूमता। कौन है? झूमता। आंसर क्या मारेंगे? सी। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तांजौर पर कब्जा किया, जिसके बाद आदित्य राजा बना। वो था विजयालय। कौन था? विजयालय। आंसर क्या होगा? डी होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। औरंगाबाद किस नदी किनारे पर स्थित है? औरंगाबाद, देखो ये बिहार के औरंगाबाद की बात नहीं हो रही, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात हो रही है। तो औरंगाबाद जो शहर है महाराष्ट्र में है, वह किस नदी पर बसा हुआ है? तो बताइए कमेंट कर करके, कौन सा होगा? कौम नदी पर। कौन पर? कौम नदी पर। आंसर क्या होगा? बिहार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा, गुजराल का बहुत प्रचलित नाम है जी, समझ गए, गुजराल जी का आत्मकथा है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अलोन इंडियन, है ना? नहीं, ये नहीं है। ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ये भी नहीं है। फिलिंग द गैप, ये भी नहीं है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी ए वाला होगा, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। देखो ऑप्शन बी बहुत प्रचलित है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का है बाबू, ये है बराक ओबामा। कौन थे जी, याद है? कहां के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के, उन्हीं का है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सीमेंस किसकी इकाई है? इकाई का मतलब यूनिट। सीमेंस किसकी यूनिट है? याद रखिएगा, सीमेंस जो है विद्युत चुंबकत्व का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत चुंबकत्व का मात्रक है। और यही पर एक बहुत प्रचलित मात्रक क्या रखिएगा? विद्युतधारिता। विद्युतधारिता क्या होता है? फैराडे। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रखिएगा, फैराडे। और एक और है जिससे छोटा हो गया, माइक्रो फैराडे का मतलब हो गया 10^-6 फैराडे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पैजिया का कौन सा भाग दक्षिणतम, मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, दक्षिणतम ध्रुव की ओर जा रही है? पैजिया का, देखिए हमारा जो प्राचीन काल का पृथ्वी थी, जिसे पृथ्वी बनकर तैयार हुई थी, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। ये भाग हमारा क्या था? पैजिया था। ये पूरा भाग क्या है जी? पैजिया था, पैजिया, पैंजिया था। और इस प्रकार से ये जो गोले चार बगल देख रहे हैं आप, ये था आपका पैंथालासा सागर। पैंथालासा सागर आई तो क्या था? पैंजिया लैंड। पैंजिया लैंड था, मतलब भूमि थी। जब कार्बोनिफेरस युग में
धरती में भूचाल आई तो यह जो है दो भागों में बट गया, जो नॉर्थ पोल की ओर खसका इसका नाम पड़ गया अंगारा लैंड। क्या नाम पड़ गया? अंगारा लैंड। और जो साउथ पोल की ओर चला इसका नाम पड़ गया गोंडवाना लैंड। क्या नाम पड़ गया? गोंडवाना लैंड। तो यहाँ प्रश्न है दक्षिण ध्रुव की ओर, तो दक्षिण ध्रुव की ओर कौन चला? गोंडवाना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए यहाँ पर न होगा, ये लिखा गया है गोंडवाना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? मतलब भारत में दो सदन होगा, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा। हमारे देश के अंदर जो संसदीय ढांचा होगी वह दो प्रकार की होगी, संसद होगा और एक राज्य संसद हो गया, एक लोकसभा और दूसरा क्या हो गया राज्यसभा। तो दो सदन की जो प्रथा है, जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, यह कहां से लाया गया? याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम से। कहां से लाया गया? यूनाइटेड किंगडम से।